निर्माण के काम में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर यहां लगे सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता जो उपस्थित हैं उनके श्री चरणों में नमन दंडवत और प्रणाम करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सादर धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ मेरे कई साथियों को उन्होंने इस राष्ट्र निर्माण के काम में लगाने का काम किया है। हमारे साथी छोटे भाई श्री अजीत गौर जो जिला पंचायत सदस्य हैं, छोटे भाई श्री देवीचंद शर्मा जो जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री के उपाध्याय जो जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री राकेश शर्मा जो जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री रूप सिंह जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री कन्हैया जी जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री चमन जी जो टप्पल से पूर्व में जिला पंचायत रहे हैं, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं, और श्री चंद्रप्रकाश पांचाल जो खैसे चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से और मात्र 150 वोटों से हारे थे और बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी छुड़वा कर और भारतीय जनता पार्टी में इस राष्ट्र निर्माण के काम में स्थान देने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व का और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मंच पर श्री खंडेलवाल जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, लंबे समय से राजनीति में जुड़ा रहा हूं, मेरे पिता जब खेल में विराट प्रमुख थे, जब छोटे छोटे बच्चे पिक्चर देखने के लिए नमाज देखने के लिए रोते थे, मैं अपने पिताजी की जीभ के पीछे लटक जाया करता था कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और समाज सेवा का काम करूंगा। उसके बाद मैं निरंतर समाज सेवा से जुड़ा रहा और इसी क्रम में मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और काफी दिन तक बहुजन समाज पार्टी में रहा। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे दादा राजमंत्री बनाने का भी काम किया, शहर विधानसभा से चुनाव भी कराने का काम किया, लेकिन 2017 के बाद बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति इतनी गंदी हो गई, जो दलित की बेटी थी वो दौलत की बेटी हो गई। हर बात के लिए हर समय उनको पैसा चाहिए, पैसा ही उनका देश है, पैसा ही उनका धर्म है और जो कुछ है उनके लिए पैसा है। ये बात देखते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी को 2 साल पहले ही दिल से निकाल दिया था और 2 साल तक किसी भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से नहीं हो रहा था बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन मेरे सारे साथी यहां भी खेल में भी बबू रावत जी हैं और सारे हमारे लोग हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वहां के और हमारे जितने भी साथी थे सभी भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, तो इनका सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहीं ना कहीं करता रहता था। लेकिन आज मैं ये संकल्प लेता हूं अपने बुजुर्ग नेता आदरणीय ठाकुर गंभीर सिंह जी के सामने कि जब तक जिंदा रहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी जो राष्ट्रवादी नीति है, उनकी जो किसानवादी नीति है, उन्होंने जो हर एक क्षेत्र में उत्तम काम किए हैं,
की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे तन मन तन से समर्पित रहकर काम करूंगा। और जनपद अलीगढ़ पर, लोकसभा अलीगढ़ पर भाई सतीश गौतम को और श्री राजवीर दिलेर को जिताने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जितनी शक्ति परमपिता परमेश्वर ने मुझे दी है पूरी शक्ति का सदुपयोग करते हुए काम करूंगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। बहुत सारे नेता मंचासीन हैं, सबको अपनी बात रखनी है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए वंदे मातरम, जय भारत माता।